मैं आपको जी वैगन की आवाज सुनाता हूँ। कम प्राइस में भी जी वैगन की मदद ले सकते हैं आप। ये डोर हैंडल कुछ अलग कंसेप्ट है, बाकी गाड़ी में आपको पूरा और इसमें आपको देसी स्टाइल के पट्टे मिलते हैं। ये काफी बताया इंटीरियर एक्सटीरियर एंड पूरी ड्रेस। इसका जो शोरूम प्राइस है, गाइस वेलकम टू द चैनल। आज है हम फोर्स मोटर्स में। यहाँ हमको प्रोवाइड की गई है फोर्स की क्रूजर जो कि तूफान का एसी वेरिएंट है। तो अगर आपको शोरूम की डिटेल्स चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। उसके बाद मैं गाड़ी से चालू करता हूँ तो सबसे पहले मैं आपको इंजन दिखाता हूँ। तो ये इंजन जो है 2.6 लीटर BS6 फेज 2 का इंजन है जो कि 70-80s में जी वैगन में आता था। तो जी हाँ, ये मर्सिडीज़ का इंजन है जो कि आपको जी वैगन में मिलता था। तो ये 89 BHP और 250 Nm टॉर्क जनरेट करता है। तो चलिए मैं आपको जी वैगन इंजन की आवाज़ सुनाता हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी आवाज़ है इस इंजन की। तो आप इस कम प्राइस में भी जी वैगन की मदद ले सकते हैं आप। उसके बाद हम बोनट क्लोज करेंगे और बात करते हैं बाकी चीज़ की। तो यहाँ पे आपको फोर्स की बैजिंग मिलेगी। ये रिफ्लेक्टर्स हैं, सेफ्टी रिफ्लेक्टर। सामने से कभी अगर आपकी गाड़ी खड़ी हो और आपकी गाड़ी की लाइट नहीं चल रही तो आपको ये प्रॉपर रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ आपको फोर्स की बैजिंग मिलेगी विथ ये मैट फिनिश में ग्रिल है। उसके बाद यहाँ पे आपको हेडलाइट्स मिलेंगे। सिंगल बल्ब है अपर डिपर के लिए। ये पार्किंग लाइट हो गई आपकी और ये हो गया आपका इंडिकेटर। इस मॉडल में आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलते हैं। ये टॉप मॉडल है, आपको फॉग लैंप्स के लिए अलग से ही लगवाना पड़ेगा। उसके बाद जो इसकी विड्थ की बात करते हैं तो 1818 mm इसकी विड्थ है, 1818 इसकी विड्थ हो जाती है। अब हम मूव करते हैं इसके साइड सेक्शन पे। यहाँ पे आपको फेंडर पे ये विंड्स मिल जाते हैं। टायर सेक्शन इसका कुछ 215/75 R15 है। तो ये आपको उबड़ खाबड़ रास्ते में अच्छा है क्योंकि इसकी साइड वॉल ज़्यादा है तो ये टायर ईजिली ख़राब नहीं होगा और आप ख़राब रास्तों पर ईजिली ट्रैवल कर पाएंगे इससे। उसके बाद इसकी जो लेंथ है 5120 mm, ये काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि 12+1 वाला मॉडल है ये। तो आप ड्राइवर को इंक्लूड करके 13 लोग आराम से इसमें बैठ के जा सकते हैं। और RC में इसके आपको 13% की रजिस्ट्रेशन दिखाता है। यहाँ पे आपको विंडशील्ड वॉशर के लिए पॉइंट मिल जाता है तो ये आपके पूरा विंडशील्ड को क्लियर करता है। यहाँ पे आपको सिंपल वाले 2 वाइपर मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे रूफ पे आपको डिज़ाइंस कुछ भी नहीं है, प्लेन रूफ दिया हुआ है। यहाँ पे बात करते हैं इसके साइड की तो ये पूरा मैनुअली एडजस्टेबल मिरर है। अंदर से आपको कोई भी कंट्रोल नहीं मिलेगा, देसी जी वैगन है वैसे हमारी है। तो यहाँ आपको सब कुछ मैनुअल मिलने वाला है। ये डोर हैंडल कुछ अलग कंसेप्ट है, बाकी गाड़ी में आपको ये पूरा हैंडल खींचता है। इसमें आपको यहाँ पे बटन दी गई हुई है तो ये बटन से ऐसे खुलते हैं और ये क्लोज हो जाते हैं। आपको ड्राइवर और पैसेंजर पर चढ़ने के लिए ये बिल्कुल देसी वाले अच्छे हाई क्वालिटी के फुटस्टेप दिए गए हैं तो आपको ईजी एक्सेस चढ़ने के लिए और उतरने के लिए बहुत ही आसान रहेगा। इसके बाद सिमिलरली पीछे वाला टायर भी आपका सेम प्रोफाइल का है जो आगे वाला प्रोफाइल का है, बट पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे और आगे आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है, आपको ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। 191 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है तो ये आपको ऑफ रोडिंग में कहीं भी जाना हो गाँव वगैरह में तो ये बिल्कुल भी इशू नहीं होगा इससे। यहाँ पे पीछे आप देखेंगे तो आपको डीजल टैंक मिलता है। ये BS6 वाला डीजल इंजन है तो ये 63.5 लीटर कैपेसिटी है टैंक की। और यहाँ पे आपको नॉर्मली जैसे बाकी गाड़ियों में रहता है तो ये 2 दरवाजे तो आपके अलग हो गए जिसमें कांच पूरा डाउन हो जाएगा। यहाँ पे आपको स्लाइडिंग वाले मिलते हैं तो आपको हाफ इधर से स्लाइड कर सकते हो, हाफ इधर से स्लाइड कर सकते हो पीछे के लिए। वैसे ये AC वाला मॉडल है तो आप इसमें प्रॉपर AC यूज़ कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं इसके रियर सेक्शन पर। तो रियर सेक्शन में सबसे पहले आपको ये बेसिक टेल लैंप्स हो गए, एक ये आपकी ब्रेक लाइट हो गई, एक ये पार्किंग लाइट हो गई, ये रिवर्स और ये इंडिकेटर, तो ऐसा कुछ मिलेगा। यहाँ पे आपको ट्रैक्स की बैजिंग, साइड में आपको वो क्रूज़र की बैजिंग मिल जाती है, मैं उस तरफ से दिखा दूंगा अभी। यहाँ पे आपकी स्टेपनी, ये रियर ग्लास हो गया और ये पीछे वाले लोगों के चढ़ने के लिए। तो यहाँ से आप सीधा ओपन करके इसको यहाँ से आप आराम से पीछे वाले आपके पैसेंजर्स इजीली बैठ सकते हैं। तो आधे यहाँ बैठ जाएंगे, आधे यहाँ बैठ जाएंगे, तो 13 सीटर है ये गाड़ी। तो यहाँ हम बंद करते हैं इसको। यहाँ पे भी आपको वही सेम सेटअप रियर टेल लैंप का, यहाँ पे फोर्स की बैजिंग मिल जाएगी और यहाँ पे ये जो BS6 सेकेंड फेज का इंजन है उसकी ये बैजिंग है। ये आपका हो गया स्टेपनी का सेटअप। एंड सिमिलरली सेम प्रोफाइल आपको लेफ्ट साइड में भी मिलेगी। यहाँ पे आपको दोनों साइड ये क्रूज़र की बैजिंग मिल जाएगी। तो कुछ ऐसी है इसका पूरा आउटर प्रोफाइल। ये आपका यूरिया टैंक है क्योंकि ये BS6 2 डीजल इंजन है तो आप 10-12 हज़ार किलोमीटर में आपको ये यूरिया टैंक फिल करना पड़ता है। अब मैं मूव करता हूँ इसकी चाबी पे। तो इसकी चाबी कुछ ऐसी मिलती है आपको, ये दोनों चाबी ऐसी मिलती है। इसमें आपको कोई भी सेंट्रल लॉकिंग या कीलेस एंट्री वाला ऑप्शन नहीं है। इसके अंदर मूव करते हैं हम। तो ये हमने ये ओपन किया, इसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल ये लॉक अनलॉक वाली बटन, ये दरवाज़ा खोलने के लिए आपका और ये दरवाज़ा बंद करने के लिए उतरने के लिए ग्रैब हैंडल। नीचे आपको बॉटल होल्डर नहीं मिलता है, सिंपल ये मिलता है
और ये इसमें आपको देसी स्टाइल के पट्टे मिलते हैं, ये काफ़ी रगड़ चीज़ है, देखने में अच्छी लगती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एसी वेंट आपको मिलेगा, नीचे तीन पैडल्स, इस सीटिंग आपकी पूरी मैनुअली एडजस्टेबल है, तो इसमें आपको कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक या एडजस्टेबल नहीं मिलेगा, यहाँ से आपका पूरा सब कुछ मैनुअली कंट्रोलेबल है। यहाँ आप स्टेयरिंग देखेंगे तो बिल्कुल सिंपल प्लेन फोर्स की बैजिंग के साथ। अब मैं इसके अंदर बैठता हूँ, चढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत तो है, हाइट काफ़ी है गाड़ी की। उसके बाद यहाँ पे आपको बिल्कुल सिंपल प्लेन मीटर दिया गया है, यहाँ पे आपका आरपीएम मीटर हो गया, ये आपका स्पीडोमीटर हो गया, ये सारी आपकी बेसिक वार्निंग लाइट्स, और यहाँ पे आपका एड ब्लू और डीजल की डिटेल्स। यहाँ पे भी इनने ये बताया गया है DEF का डिस्प्ले, तो जब भी इसमें लेवल कम रहेगा या कितना यूरिया बचा है आपका, ये देखिए यूरिया लिखा हुआ है, कितना यूरिया बचा है वो आपको यहाँ पे प्रॉपर आपको डिस्प्ले देगा, जिससे कि आपको कभी कोई दिक्कत ना हो चलने में, एंड आप टाइम पे इसको DEF को टॉप अप करा लें। चार आपको यहाँ एसी वेंट मिलते हैं, पर भी आपको ये फोर्स की बैजिंग मिलती है और ये ग्लव बॉक्स मिलता है, ग्लव बॉक्स में इसकी यूज़र मैनुअल रखी हुई है, तो दो कंपार्टमेंट है ग्लव बॉक्स में, एक नीचे अलग और ये ऊपर अलग, तो ये डुअल कंपार्टमेंट ग्लव बॉक्स है इसका। अंदर भी आपको प्रॉपर एक ब्लोअर मिल रहा है, तो पूरा ऐसा नहीं है कि इसी की हवा वो पीछे खींच के देगा, आपको पूरे दो ब्लोअर के सेटअप दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको ये DEF के लिए रीजनरेशन, यहाँ पे आपकी ये पार्किंग लाइट्स हो गई जो कि हैजर्ड लाइट भी हैं, उसके बाद आपका ये मैनुअल एसी के कंट्रोल्स, और आपको एक चार्जर दिया गया है, 5-speed गियर बॉक्स विथ रिवर्स गियर। यहाँ पे आपको चारों विंडोज़ के कंट्रोल मिलते हैं, यहाँ पे आपको डोर के नहीं मिलते हैं, यहाँ पे आपको ये सेंटर कंसोल पे दिया गया, यहाँ पे आपका ये हैंड ब्रेक और ये हो गया एक बॉटल होल्डर। सिमिलरली सेम सेटअप उस गेट पे मिलेगा जैसा कि आपको ड्राइवर गेट पे मिलेगा, और ये हो गई आपकी को पैसेंजर सीट विथ ड्राइवर हैंडल। अब बात करते हैं इसके रियर सीट की, तो यहाँ पे आपको दरवाज़ा खोलने के बाद यहाँ पे आपको एक हैंडल मिल जाता है, तो पैसेंजर्स को चढ़ने के लिए काफ़ी ईजी रहता है, क्योंकि गाड़ी की हाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको ये फुट स्टेप के साथ यहाँ पे हैंडल भी दिया गया है, तो यहाँ से आप चढ़ सकते हैं। ये कुछ ऐसी लंबी पूरी आपको बेंच सीट मिलती है। आगे और पीछे के दरवाज़ों में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको ये विंडोज़ के कंट्रोल मिलते हैं, आगे आपको सेंटर पे दिया हुआ है, बट पीछे आपको दोनों जगह एक एक वो दिए गए हैं, तो कुछ ऐसी सीट मिलती है इसकी पीछे, और स्पेस भी अच्छा खासा दिया गया है यहाँ पे। कुछ ऐसा था इसका ओवरव्यू जो मैंने आपको बताया, इंटीरियर एक्सटीरियर एंड पूरी डिटेल्स। इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो है 14,22,000, और ये ऑन रोड आपको पड़ती है 17.9, जो कि आप शोरूम में आके देख सकते हैं, आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिल जाएंगे, एंड ऑन रोड में आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लीज़ शोरूम में विजिट कीजिए, एंड आप सामने से आके इस गाड़ी को देख सकते हैं। बाकी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।